Gateway School, and today we are going to discuss exercise 2B. So before exercise 2B, I have already given a homework of question number 20, exercise 2A. I hope कि आप लोग बना नहीं होंगे, but सिर्फ एक student जो है हमारे पास send की है, that is Ritika, और उसको हम लोग solve करेंगे, ठीक है? बाकी कोई भी student हमको homework send नहीं किए हैं, so आपसे और आपके पेरेंट्स से हमारा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को है जो कि आप बिठा करके इनको पढ़ाइए और जो भी होमवर्क दिया जाता है इनको बनवा करके और सेंड करवाइए, ताकि हम लोग को पता चले कि क्या ये सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं ऐसे कोई है जो कि मतलब नहीं बनता, ठीक है? सो लेट्स डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन. सुरेश परचेज अ पेन फॉर रुपीज 2 whole 3 by 5 एंड अ पेंसिल फॉर रुपीज 1 whole 2 by 3. Which cost more and by how much? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा प्रोसेस जो है बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. तो देखते हैं कि सुरेश जो परचेज करता है एक पेन कितना रुपीज में, लिखेंगे कि सॉल सुरेश परचेज पेन फॉर रुपीज 2 whole 3 by 5, ठीक है? एंड ही परचेज्ड अ पेंसिल रुपीज 1 whole 2 by 3. अब कंपेयर करने के लिए पूछ रहा है कि किसका कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है? सो नाउ बाई कंपेरिजन हम लोग देखेंगे क्या होता है. तो 2 whole 3 by 5 एंड 1 whole 2 by 3 कंपेयर करते हैं. पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, तो 13 by 5 और 5 by 3. अब ध्यान देना क्या लिखना है और क्या नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. ये जो जाएगा कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये लिखना ध्यान देना. क्या हो गया 13 into 3 और ये हो जाएगा 5 into 5. ये उल्टा नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 into 5 इधर और 13 into 3 इधर, ये होगा तो रॉन्ग होगा, ठीक है? अब आगे देखेंगे प्रोसेस. ये हो गया 39 और ये क्या हो गया 25. सो दिस वन इज ग्रेटर, 39 इज ग्रेटर देन 25. इट मींस कि इस टाइप का जो हमारे ये फ्रैक्शन है ये क्या है, हमारा ग्रेटर है एज कंपेरिजन टू द दिस फ्रैक्शन, ठीक है? तो कितना से हमको पता चल गया कि ये हमारा बड़ा है, तो अब कर लेंगे कितना से होगा. तो 13 by 5 माइनस 5 by 3 कंपेयर कर लीजिए, 15 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा. 5 3 15, तो 13 3 39 माइनस 3 5 15, सो 5 5 25. इट मींस कि क्या आ गया हमारा 14 by 15 आंसर, ठीक है? क्या पूछ रहा है कि विच कॉस्ट मोर एंड बाय हाउ मच, तो लिखेंगे हम लोग पेन कॉस्ट मोर देन पेंसिल बाई रुपीज 14 by 15, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा क्या ये करेक्ट है नहीं है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन देखेंगे. अब आएंगे हम एक्सरसाइज 2B, ठीक है? सेम चीज है, बस इसमें क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ना है आपको, ठीक है? मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है. इससे पहले वाले हम लोग क्या देख रहे थे, ऐड था, सबट्रैक्ट था एंड कंपैरिजन था, ठीक है? कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेस, बट नाउ क्या है हमारा मल्टीप्लाई है एंड डिवाइड है. सो इसको इरेज करते हैं हम लोग.
चलिए एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि मल्टीप्लाई। अब क्या है ना कि हर एक क्वेश्चन का कुछ कुछ ऑप्शन हम बोलिए, सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना सही नहीं है, ठीक है, वो भी नहीं पाएगा। सो बाकी जो बच जाएगा वो आपका समझिए कि होमवर्क हो गया, ठीक है। तो कुछ कुछ जो डिफिकल्ट हमको लगा कि ये मोर डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है, उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किए हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना मुमकिन नहीं है। सो 4 नंबर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ कि 3 by 8 and 10। इट मीन्स कि क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई 3 by 8 and 10, दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे कर दीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वाह, ठीक है। जब हमारा प्रोडक्ट होता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर हमारा न्यूमरेटर से होता है और डिनोमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर से होता है, ठीक है। लेकिन इन केस कब क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम देखेंगे कोई रिलेशन है, कोई एक सिंगल नंबर से अगर कट हो रहा है तो हम उसको कट करते हैं। जैसे यहां पे देखेंगे कि 2 से ये 10 भी कैंसिल हो रहा है और 8 भी कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए 2 4 8 and 2 5 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 4 1 4, ठीक है। इसी का हम क्या देखेंगे 8 नंबर में क्या हमारा 2 whole 5 by 8, इसको हम लोग इंप्रॉपर में चेंज करते हैं तो 21 by 8 into 6 whole 8 by 9, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि 21 and 9 ये जो है एक कॉमन नंबर यानी कि 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 9, 3 7 21, 8 और 62 ये किससे कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 4 8 and 31 2 62 होता है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 31 into 7 क्या हो जाएगा आपका, तो 2 1 7 by 4 3 2, इसको फर्दर आप क्या करेंगे हम लोग मिक्स पैसन में चेंज करेंगे, कर दीजिए 12 1 2 12 9 बच गया, 12 8 16 96, तो गेट 12 and 1, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप इसे भी कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर टू हमारा क्या है, फाइंड। अब इसमें आपका क्या रहा है कि फाइंड करना है कि 9 by 50 of 1000, तो 2 का हम लोग 4 नंबर देखेंगे 9 by 50 of 1000। अब ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो 9 by 50 ऑफ को हटा करके क्या लिखेंगे, साइन देंगे मल्टीप्लाई का 1000। देखिए 10 से 10 कैंसिल हो रहा है और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5 से कितनी बार में कैंसिल हो गई है 20 times, कितनी बार में 20 times। नाउ 20 into 9 क्या हो जाएगा आपका 180, बहुत सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ही हम लोग देखेंगे 7 नंबर, क्वेश्चन 2 का 7 नंबर क्या है 7 by 11 ऑफ 25 मीटर, एम4 मीटर होता है आपका। अब देखेंगे हम लोग कि कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, 25 भी इससे कैंसिल नहीं होता ना 7 होता है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 से बन जाए कितना होता है 175 मीटर by 11, ठीक है। अब फर्दर इसको हम लोग क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स में चेंज कर दीजिए तो 11 हो जाएगा 6 5, तो 15 10 और 11, क्लियर है ना। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन 2 का 11 नंबर ऑप्शन, इसको इरेज करते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन 2 का ही हम लोग क्या करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिक्स बाई 25 ऑफ 1 kg लिखा हुआ है, ठीक है। तो 6 by 25 of 1 kg, तो 1 kg लिखा हुआ है तो केजी को हम किस में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे, चेंज कर दीजिए तो 6 by 25
ऑफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई एंड ये जो 1 केजी है इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा 1000 ग्राम होता है 1 केजी तो हम लिखेंगे 1000 ग्राम ठीक है। अब कट कर सकते हैं 25 से देखिए पूरा कैंसिल आपका हो जाएगा 40 तो 6 into 40 क्या हो जाएगा 240 और ये क्या हो जाएगा ग्राम आंसर ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा सिंपलीफाई। आपको बहुत बड़ा मल्टीप्लाई दिया हुआ है एक और प्योर क्लास तो उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या करा सिंपलीफाई करने के लिए ठीक है मल्टीप्लाई है डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना अगर कोई कैंसिल होता तो कैंसिल भी करना है। तो सिंपलीफाई में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट नंबर ही लिया हम तो 3/4 इंटू 4/5 इंटू 9/17। अब देखिए 4 एंड 4 दोनों सेम नंबर है ये कैंसिल हो जाएगा इसको कैंसिल कर दो ठीक है। और अब कोई भी नंबर जो है वो कैंसिल नहीं होगा 3 और 9 है लेकिन ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कभी कैंसिल नहीं होगा। जब भी कैंसिल होगा तो कब होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा ठीक है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 9 क्या हो जाएगा आपका 27 17 × 5 85। अब ये सिंपलीफाई होकर ये हमारा आंसर आ गया ठीक है। सो इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कौन सा है 6 नंबर क्या लिखा हुआ है कि 6 होल 1/9 मल्टीप्लाई 7 होल 2/30 मल्टीप्लाई 2 होल 3/18 ठीक है। नाउ फर्दर इसको इंप्रॉपर में चेंज करते हैं 9 6 54 एंड 55 बाय 9 मल्टीप्लाई 3/13 into 39/18 ठीक है। अब देखिए कौन सा नंबर किसी से कट हो रहा है नहीं हो रहा कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा देखेंगे यहाँ 9 है हमारा ठीक है 93 है और 39 तो 3 से ये भी कैंसिल होता है 3 से ये भी कैंसिल होता है और 3 से ये भी कैंसिल होता है ठीक है। तो कर सकते हैं हम लोग 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 9 13 3 39 ठीक है 3 से ये भी कैंसिल हो गया और 3 से ये भी कैंसिल हो गया। अब 3 हमारा बचा है ना 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 31 ठीक है 3 3 9 3 1 3 ये हमारा कैंसिल हो गया। अब जो है कोई भी नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा इट मींस कि यू हैव टू मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 13 एक हो रहा देखिए 13 जो है हमारा क्या हो रहा है कट हो रहा है ये जो 13 है ये भी कट हो रहा है ना ये भी क्या हो रहा है आपका कट हो रहा था। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 × 31 क्या हो जाएगा 18 और लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा तो 55 × 31 जैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 55 × 3 क्या होते हैं हमारा 160 ठीक है। क्या आ गया आपका 1705 बाय 18 ठीक है। इसको अगर आप में चेंज करना हो कर सकते हैं। तो ये था आज का क्लास और कुछ ही क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा 2 देखिएगा 3 में ठीक है। काफी ऑप्शन है आपके से क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 9 ऑप्शन है 2 में आपका 13 ऑप्शन है ठीक है एंड 3 में आपका 6 ऑप्शन ठीक है। तो बाकी जो भी बच गया वो आपका जो होमवर्क हो गया और नाउ ठीक है रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ठीक है। अगेन आप लोग सॉल्व करिएगा ठीक है इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बस 1, 2 और 3 बाकी क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के बाकी जो 16 है नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे क्लास नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।